वर्मा। मैम, IIT BHU में इस समय जो कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं स्पोर्ट्स के, उसमें काफ़ी ज़्यादा लड़कियों ने भी भाग लिया है, तो क्या आप इसको एक ब्राइट फ्यूचर देख रही हैं वेमेन स्पोर्ट्स के लिए? आई थिंक हमने ऑलरेडी मेंशन किया कि ब्राइट फ्यूचर डेफिनेटली है, बिकॉज IIT स्पेशली इज नोन फॉर एकेडमिक्स, वहाँ पे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स निकले अभी तक। तो अच्छा लग रहा है कि साथ साथ स्पोर्ट्स को भी बराबर इंपॉर्टेंस मिल रही है, और स्पेशली गर्ल्स को भी, गर्ल्स भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रही है। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में होपफुली कोई यहाँ इस इवेंट से भी कोई अच्छा निकल के आगे कंट्री रिप्रेजेंट करेगा। मैम, एक मुद्दा बहुत चल रहा है इस समय इंडिया में, मी टू का, जिसमें लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा जो हैरासमेंट देखना पड़ता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, तो क्या स्पोर्ट्स उतना सेफ होता है लड़कियों के लिए, या सच में लड़कियों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है? हमने मी टू की बात करी, आई एम नॉट मच अवेयर ऑफ दिस जो भी आप ये कह रहे हो, बिकॉज आई डोंट फॉलो न्यूज़ और सोशल मीडिया मच, बट हाँ, जहाँ तक आप बात कर रहे हो लड़कियों की सेफ्टी के लिए लेके, मेरा पर्सनल ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आई हैव ऑलवेज बीन ब्लेस्ड विद सच पीपल अराउंड मी, जिन लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है पॉजिटिव वे में। आई नेवर फेल्ट लाइक कि मुझे भी कभी ऐसा कुछ फेस करने को मिला। आई हैव हर्ड अलॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट दिस, बट आई फील समवेयर डाउन द लाइन दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनल अवेयरनेस, आप किस चीज़ को, किन लोगों को कितनी इम्पोर्टेंस देते हो, दैट्स ऑल। मैम, आगे हम लोग आपको स्पोर्ट्स वाले सिनेरियो में अभी किस तरीके का क्या शेड्यूल होगा आपका? डेफिनेटली अभी तो जस्ट स्टार्ट किया क्रिकेट खेलना, इट्स जस्ट 2013 में मैंने डेब्यू किया था, तो अभी जस्ट 38 ODIs खेले हैं, सो स्टिल मैनी मोर टू कम एंड मैनी मोर टू प्ले। होपफुली नेक्स्ट अभी T20 वर्ल्ड कप है, एंड होपफुली टीम इंडिया अच्छा करेगी आने वाले T20 वर्ल्ड कप में, एज जैसा हमने अभी पिछले 2017 वाले वर्ल्ड कप में किया, बिकॉज ऑलरेडी लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग इतना वुमेन क्रिकेट को वॉच नहीं करते थे पहले, अभी इक्वली लोग देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है। इससे अलग यू नो मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी कोई अभी आज के टाइम पर जानता है, पहचानता है, और वुमेन क्रिकेट को यू नो ऐसे देखा जाता है जैसे मेंस क्रिकेट को। 1983 वर्ल्ड कप के बाद वो चेंज आया था, वो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप के बाद से चेंज आया है। थैंक यू।